नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे एपिसोड जब मिले दो दिन मुंह हुआ काला और निकला नन्ना लाला। तो आज हमारे साथ वैलेंटाइन के मौके पर कुछ सदस्य जुड़े हैं, आज हम उन्हें कुछ प्यार के पाठ पढ़ाएंगे। आइए बैठिए इधर। हाँ तो आपका नाम बताइए। हाँ जी, नाम है डिक्के लोढ़ा। हाँ तो लोढ़ा जी। अरे लोढ़ा नहीं, लोढ़ा। अरे तो एक ही बात है यार, दोनों ही चीजें है तुम्हारे पास, टेंशन काय को लेते हो। चलो ये बताओ, जीएफ बनानी है तुमको? हाँ जी, एक सीरियस वाली गर्लफ्रेंड बनवानी है। हाँ तो अभी वैलेंटाइन वीक आने वाला है, तो उसमें कौन कौन से डेज आते हैं ये पता है आपको? हाँ तो वही होते होंगे वो, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। अबे वैलेंटाइन वीक पूछा है, मंडे ट्यूसडे नहीं। अरे तो भाई तुम हद कर रहे हो यार, हम एग्जाम में दो क्वेश्चन पढ़ के जाते थे वो याद नहीं रहते थे, और तुम ये पूछ रहे हो फालतू की चीज है। साला इसके पीछे तो बीबीए लिया ताकि मन से लिख लिख के पास हो जाए। कुछ भी यार। चलो रहने दो, मैं ही बताता हूँ। इसमें क्या होता है, पहला आता है रोज डे, उस दिन तुमको लड़की को रोज देना पड़ता है। अच्छा तो बदले में वो क्या देगी फिर हमको? अबे वो एक्सेप्ट करेगी ना तुम्हारा रोज। जो कौन सा एहसान कर रही मेरे ऊपर एक्सेप्ट करके? अबे तुम जंग करने निकले हो या लड़की पटाने निकले हो? चलो ठीक है यार, दे देंगे, तुम बोल रहे हो तो एक 10 रुपए वाला गुलाब दे देंगे। हाँ तो सेकंड होता है प्रपोज डे, इस दिन घुटनों पे बैठ के लड़की को आई लव यू बोलना पड़ता है। बोल पाओगे? अबे साला आज तक किसी के बाप के सामने नहीं झुके, लड़की के सामने झुकेंगे क्या हम? गर्दन उखाड़ दूंगा। भैया काम कर, तू बॉर्डर पे जा, ये तेरे बस का नहीं, जा तू जा जा। अरे नीनी रुको यार, तुम भी यार लुगई बना के छोड़ोगे यार यहाँ से जाते जाते यार। चलो झुक जाएंगे यार उसके सामने। हाँ तो थर्ड आता है चॉकलेट डे, लड़की को बड़े प्यार से चॉकलेट ले जाके देनी पड़ती है। अरे हाँ चलो चॉकलेट तो दे देंगे यार, वो 1 रुपए वाली मेलोडी आती नहीं वो दे देंगे, एक नंबर स्वाद है यार उसका यार, 1 रुपए वाली मेलोडी। चलो मान लो गुस्से गुस्से में उसने खा भी ली 1 रुपए वाली मेलोडी और पूछ लिया कि मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों है, तो क्या बोलोगे? पूछा तो पैर का बासी मोजा निकाल के ना उसके मुंह में भर दूंगा, अगले 10 दिन तक पूछने लायक नहीं रहेगी। भाई एक काम कर, तू शो के बाद मिलना मेरे को, तेरे से बहुत कुछ सीखना है मेरे को अभी, ठीक है? हाँ तो नेक्स्ट आता है टेडी डे, टेडी बियर देना पड़ता है लड़की को। अरे हाँ ये तो पता है मेरे को, फालतू का छूतिया पाया, बाकी दे दूंगा मैं, मेरे दोस्त की दुकान है टेडी बियर की, वो उसके यहाँ मिलता है इतना बड़ा टेडी बियर, उसके क्या पेट पे बटन है उसमें पानी भर दो, जो जैसे बटन दबा तो मुद देता वो दे दूंगा उसको। हे भगवान, इसकी होने वाली पत्नी की आत्मा को शांति देना। तो अगला आता है प्रॉमिस डे, प्रॉमिस करना रहता लड़की को, क्या प्रॉमिस करोगे? हाँ चलो प्रॉमिस भी कर देंगे, मेरे दोस्त ने भी करा था प्रॉमिस उसकी गर्लफ्रेंड से कि शादी होएगी तब तक अपन एक दूसरे को छुएंगे भी नहीं, ना डिग्री खत्म होने से पहले ही उनकी मेहनत का फल हाथ में आ गया, करके रो रहा था जिस दिन पैदा हुआ। वाह यार। चलो अगला दिन आता है हग डे। नहीं देखो वैसे तो शर्म आती है, बाकी ठीक है चलो रोज अपने घर पे हगते, एक दिन उसके घर पे भी हग देंगे, मंचूरियन खा के जाऊंगा तीखा वाला, कसम से कह रहा हूँ ऐसा आग लगा दूंगा उसके पाइपलाइन में। अरे भाई हग डे, गले मिलना होता है, गले मिलते दोनों एक दूसरे के। अच्छा ऐसा, छोड़ छोड़। अगला दिन आता कीस डे, कीस करोगे उसको? कीस करना रहता है। अरे कीस तो मैं उस दिन कॉलेज वाली को भी कर देता, लेकिन जैसे ही पास आई उसके मुंह से मूली और लहसुन की ऐसी बदबू आई कि मैंने गुस्से गुस्से में लपड़ की मार दी, और वो तो उठे ही नहीं। मैंने बोला चलो सांस रोक के कीस कर दूंगा, पर वो तो उठने को तैयार नहीं हुआ भैंस की आंख। अच्छा एक मिनट, कॉलेज वाली मतलब तेरी जीएफ है? हाँ है नहीं यार, 5-6 जीएफ है मेरी तो। अबे तो साले यहाँ क्यों बैठा है? और वो तो मम्मी ने बोल दिया यार बेटा शादी वादी करनी है कोई लड़की ढूंढ लो, तो मैंने सोचा चलो ट्रू लव ढूंढ लू एक यार। अबे साले हम यहाँ प्यार की मास्टर डिग्री लेके बैठे फिर भी आज तक एक नहीं पटी, हाथ भी अब तो सपने में आके बोलने लगा है बस कर भाई, नीचे सब रेगिस्तान हो गया है, और सुबह सुबह वो ऑफिस की चपड़ासन को गुड मॉर्निंग बोल दो फॉर्मली तो वो बदले में बोलती आई वो बॉयफ्रेंड, हद्दे यार। देख भाई ऐसा है कि टेडी और गुलाब देने वाले वही देते रह जाते हैं, असली चीज कभी दे ही नहीं पाते, इसलिए एक बात याद रखना मेरी भाई, जब भी तू लड़की के पास जा तो एक ही गाने का सूर लगाना, जो भेजी थी दुआ वो जाके आसमां से यू टकराई कि आ गई है लौट के सदा, और मान ले लड़की अगर तुझे बदले में ये वाला गाना सुना दे
सुन साथिया माहिया बरसा दे इश्का दी शाहिया। तो समझ लेना तेरा काम हो गया, और तेरे को मेरी बात समझ में नहीं आई हो तो घर जाके डोरेमोन देख, तू उसी के काबिल है। चलो नेक्स्ट आके बैठो। अब तुझे भी गर्लफ्रेंड बनानी है? क्यों मैं नहीं बना सकता? बोल तो ऐसा रहा जैसे तेरे ऑफिस की सेक्रेटरी मांग ली हो। अरे भाई मेरा मतलब है तू तो वैसे ही इतना स्मार्ट है। अबे साला मारा क्यों बे? अबे तुम भी चालू होगा यार, कॉलेज में जिस लड़की को पसंद करता हूँ वो यही बोलती वाओ यू आर सो स्वीट, तेरी तो गर्लफ्रेंड जरूर होगी ना, तू तो इतना स्मार्ट है, ओ वाओ चॉकलेटी बॉय तेरी तो पांच छह गर्लफ्रेंड होगी ना। अबे साला इस चक्कर में आज तक सूखा बैठा हूं मैं, एक भी गर्लफ्रेंड नहीं है मेरी। और तो और भाई चार दिन पहले एक लड़की मिली थी फेसबुक पे, कल बोलती है चलो शॉपिंग मॉल चलते हैं, मिलने चलो ठीक है, वहां जाके 7,000 की ड्रेस पसंद करके बोलती है ओ वाओ हाउ चीप। अबे मैं खुद 300 रुपए के कपड़े ढूंढ के उस पर 50% का डिस्काउंट ढूंढता हूँ और फिर उनको खरीदता हूँ, और वो 7,000 की ड्रेस को देख के बोलती है हाउ चीप। अबे भाई पैसे देते टाइम ऐसा लग रहा था जिसे किसी ने मेरी इज्जत मांग ली हो। मतलब चलो वो भी ठीक है, उसके बाद जब उसको आई लव यू बोला तो पता है क्या बोलती है? तुम इतने स्मार्ट हो मैं तुम पे ट्रस्ट कैसे करूं? भाई स्मार्ट लड़कों का है ना जीना मुश्किल हो गया है। भाई खुद की तारीफ नहीं कर रहा हूं पर असल बात यही है कि गर्लफ्रेंड चूतियों को ही मिलती है। भाई इमोशनल कर दिया यार तूने तो, 7 दिन पहले मेरी भी गर्लफ्रेंड बनी थी और उससे बात करने के लिए 7 दिन का रिचार्ज भी करवाया उसके मोबाइल में, और आज सुबह से उसका मैसेज आना बंद हो गया। अच्छा किस नाम से? एंजल अफरीन। अरे तो भाई उस बात को 7 दिन हो गए ना, रिचार्ज भी तो खत्म हो गया होगा। एक काम कर, इस बार वो 3 महीने वाला रिचार्ज करवा, तो क्या होगा कि तू फेसबुक पे भी बात कर पाएगा और कॉल पे भी। अबे हाँ यार भाई एक नंबर आइडिया दिया, चल अभी रिचार्ज कराता हूँ मैं मेरे मोबाइल से उसके इसमें। ठीक है भाई रिचार्ज आ गया, और वो फेसबुक पे एंजल अफरीन वाली आईडी मेरी है, इसलिए भगवान करे तेरे को जल्दी गर्लफ्रेंड मिल जाए। थैंक यू फॉर रिचार्ज, मैं चला। अबे तेरी रुक साले रुक। हेलो एवरीवन एंड थैंक यू गाइस फॉर दोस हु आर वाचिंग दिस वीडियो एंड दोस हु आर एंजॉयिंग इट, प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन, और पास में आपको एक नोटिफिकेशन बेल भी दिख जाएगा तो आप उसको भी प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो आएगा तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। सो गाइस प्लीज कीप सब्सक्राइबिंग एंड लाइकिंग द वीडियो। थैंक यू।